हेलो एंड वेलकम गाइस, आज मैं बात करूंगा कीबोर्ड कवर के बारे में। तो अगर आप एक अच्छा कीबोर्ड कवर परचेस करना चाहते हैं तो मार्केट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक टीपीयू मटेरियल में एंड दूसरा सिलिकॉन मटेरियल में। तो इन दोनों में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, क्यों परचेस करना चाहिए, डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करूँ टीपीयू कवर के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट कवर है, कटआउट्स एंड फिनिशिंग काफ़ी परफेक्ट मिलेगी आपको, एंड ये एक फुल साइज का कीबोर्ड कवर है। दूसरी तरफ ये वाला कीबोर्ड कवर सिलिकॉन मटेरियल में आता है, ये उतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं है बट जितना भी है काफ़ी है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से आपको कौन सा कीबोर्ड कवर लेना चाहिए, कौन सा आपके कीबोर्ड के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, टीपीयू मटेरियल वाला या फिर सिलिकॉन वाला। तो बात करूँ इनकी प्राइसिंग की, तो दोनों आपको 300 से 500 के बीच आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाएंगे। दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा कीबोर्ड कवर आपके कीबोर्ड के लिए परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस कीबोर्ड कवर को अपने कीबोर्ड पे लगा लेता हूँ। तो अभी मैंने सिलिकॉन मटेरियल वाला कीबोर्ड कवर लगा रखा है अपने कीबोर्ड पे, आप देख सकते हैं फिनिशिंग एंड फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कीज काफ़ी हद तक अच्छे से विजिबल रहती हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर मैं कोई की को लॉन्ग प्रेस करता हूँ या फिर थोड़ा हार्डर प्रेस करता हूँ तो ये मॉइस्चर टाइप का कुछ अंदर से बबल बनने लगता है जो कि ओवरऑल कीबोर्ड के लुक को ख़राब करता है, एंड लॉन्ग टर्म के यूसेज में ये आपके कीबोर्ड की कीज के कलर को फेड कर सकता है जैसा कि आप देख सकते होंगे। एंड हाँ, टाइम टू टाइम इसके कलर में आपको डिफरेंस दिखने लगता है, इसमें थोड़ा येलोनेस आने लगता है जो कि एक और डिसएडवांटेज है इस कीबोर्ड कवर को परचेस करने का। तो अगर आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ओवरऑल ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये आसानी से आपके कीबोर्ड पे स्टिक हो जाता है, आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। बट हाँ, टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू टीपीयू मटेरियल, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको टीपीयू वाले से यहाँ पे बेटर मिलने वाली है। तो ये था सिलिकॉन कीबोर्ड कवर के बारे में, तो अब बात करते हैं टीपीयू वाले कीबोर्ड कवर के बारे में। तो मैं इसे फ़िलहाल निकाल देता हूँ एंड फटाफट टीपीयू वाले कवर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कटआउट्स एंड फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 100% है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन वाले कीबोर्ड कवर से जो कि आपके कीबोर्ड के लुक्स को काफ़ी परसेंट तक नेचुरल बना के रखता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड कवर में किसी भी तरह का मॉइस्चर या बबल आपको अंदर से नहीं दिखने को मिलता है। इन टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो बेस्ट तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, बट हाँ काफ़ी हद तक अच्छी है, आप कंटिन्यूस यूसेज में यूज टू हो जाएंगे। एंड इसको निकालना भी काफ़ी आसान है और टाइम टू टाइम इसका कलर भी मेंटेन रहता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमारा कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है बैकलिट एंड नॉन बैकलिट में इस कीबोर्ड कवर के साथ। अगर आपको दूर से दिखाऊं तो दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दोनों का क्लोज लुक दिखा देता हूं ताकि आप डिसाइड करें कि आपके कीबोर्ड के लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया है। आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा कीबोर्ड कवर आपको ज्यादा अच्छा लगा। तो यार एट द एंड अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि टीपीयू वाला कीबोर्ड कवर मंगाएं क्योंकि लॉन्ग टर्म यूसेज में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ये आपके ओवरऑल कीबोर्ड के लुक्स को मेंटेन रखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सा कीबोर्ड कवर लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।